सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता हैज, हैव, हैड करने का, तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बच्चों को बताऊंगी कि आप आसानी से अपने बच्चों को एक्सप्लेन करेंगी कि हैज, हैव, हैड का यूज कैसे होता है। तो आपके साथ मैं अपनी डॉटर को भी इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये कैसे यूज करेंगे। तो आपको हैज है, ओके, हैज, हैज का यूज सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर कोई भी आएगा तो आपको क्या यूज करना है, वहां पर हैज का यूज करना है। अब हम बताते हैं हैव। तो हैव का यूज कहाँ करते हैं, वी, यू, दे, दीस, दोस, प्लूरल। जब कोई भी चीज प्लूरल में होगी, जब कोई प्लूरल सेंटेंस होगा तो आपको वहां पे क्या करना होगा, हैव का यूज करना होगा। नेक्स्ट है हैव। नेक्स्ट दिस इज हैव। आई के साथ हैव का यूज होता है। अब ये सोचोगे कि आई तो सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैव क्यों लगेगा, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है, इसलिए हम आई के साथ हैव का यूज करेंगे। अब आते हैं हम हैड पर, ओके। तो हैड है पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज होता है, पास्ट टेंस। हाँ, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किसका यूज किया जाता है, हैड के लिए यूज किया जाता है। एक बार और हम फिर से लर्न करेंगे। तो हैज का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर में क्या क्या है आपका, सिंगुलर हैज, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। तो सिंगुलर, तो जब आपके ये सब चीजें दिखेंगी तो आपको यूज करना है हैज का। नाउ हैव, ओके। सो तो यहाँ आप क्या यूज करेंगी, हैव का यूज करेंगी। आई के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। फिर हैड का यूज कहाँ होता है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड का यूज किया जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हैड का यूज होता है। आई के साथ भी हैड का ही यूज होगा। तो यहां तक आप समझ चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप आसानी से अपने बच्चों को इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रही मेरी डॉटर की बुक जिससे मैं इसे और कुछ बताऊंगी। देखिए बेटा, आई नो, फर्स्ट ही हैज अ न्यू बैग। यहाँ पर हैज लगा है। और ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। एंड यहाँ पर हैज लगा है क्योंकि ही इज अ सिंगुलर वर्ड। देन अब यहाँ पे नेम आ गया, देखो नेम आ गया हरी, तो क्या यूज किया गया है, हैज का। दिस आ गया है, क्या यूज किया गया है, हैज का। दैट आ गया है, क्या यूज किया गया है, हैज का। फिर नेम आ गया, फिर क्या यूज किया गया, हैज का। फिर यहाँ पर ही आ गया, क्या यूज किया गया है, हैज का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर में किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बच्चे की कॉपी में ही डैश आ न्यू बैग। अब बच्चे को उसे फिल करना होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज होगा। अब हम चलते हैं हैव के कॉन्सेप्ट पे, ओके। तो आपने हैज तो सिंगुलर के लिए यूज किया, अब हम हैव का। जैसा मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हैव का यूज होता है, तो आई के साथ क्या यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। फिर यू देखिए, न्यू पेन, यू हैव अ न्यू पेन, यू आई। यहाँ पर हमने बताया ये प्लूरल है, ओके। वी क्या है, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आगे जो यहाँ पर हैव लगा है क्योंकि आगे प्लूरल है। यस फिर दे, ठीक है, दे इज प्लूरल टू, दीज इज प्लूरल टू, दोज ओके, दोज प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ क्या यूज किया गया, हैव का यूज किया गया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस टू, एंड यू कैन गिव योर चिल्ड्रन लाइक दिस, यू कैन हाइड दिस एंड डैश, आई डैश अ न्यू पेन, ओके। नाउ हैड के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हैड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑलवेज रिमेम्बर हैड पास्ट की चीजों को बताता है। जैसे यस्टरडे इज अ पास्ट थिंग, इसीलिए यहाँ पर हैड लगता है। यस मैंने बताया था तुमको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ऑफ देम कैन यूज,
दोनों के लिए हैड का यूज होता है. सो पास्ट में जब बात होगी तो हैड का यूज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, आई हैड ए हॉलीडे यस्टरडे. आई हैड अ हॉलीडे यस्टरडे मतलब कि पास्ट. हाँ तो कल यह हॉलीडे हुआ था तो पास्ट में चला गया, तो इसलिए हैड का यूज हुआ है. पास्ट टेंस की बात हो रही है. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, यू हैड अ हॉलीडे ऑन संडे. जब भी संडे होता है तो हॉलीडे होता है, इसीलिए. और ये वीक्स, ये यस्टरडे सिर्फ पास्ट के लिए भी नहीं, जो वीक्स एंड मंथ्स और पास्ट के लिए हैड यूज्ड होता है. हाँ ठीक है, तो यू हैड ऑन संडे, संडे को हॉलीडे था ये बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज किया गया है. नाउ वी विल गो टू थर्ड. वी हैड books in our bag. Now I will hide and say the answer. We dash books in our bags. We had. हाँ, हमारे बैग में क्या था? बुक्स थी. तो मैं बता रही हूँ कि मेरे बैग में बुक थी, ठीक है ना. सो इस तरह से आप एग्जांपल्स देकर के बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं. ये इसकी स्कूल की बुक है, मैंने इसे इरेज कर दिया और अब मैं इसे देने वाली हूँ कि ये खुद अपने आप इसको फिल करेंगी. ओके, नाउ आई होप आप ये सब अंडरस्टैंड हो चुके होंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, नाउ अदिशी इसको सॉल्व कर रही है. नाउ आई विल राइट एंड डू वन टाइम टू एंड यू कैन सी इट टू. वी डैश अ हॉलीडे यस्टरडे. ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, जो अभी तुमने हमने रन किया है. Past tense. She dashed a lot of mangoes in her bag, in her basket. Now we will, what will be this? She is singular. Then what we will add there? Yes, has. Next, third. The room dash two doors and four windows. एक room है जिसमें टू डोर्स हैं एंड फोर विंडोज हैं, तो इसमें क्या लगेगा? यस, हैव, एच ए वी ई, हैव. द रूम हैव टू डोर्स एंड फोर विंडोज. सम मंकीज. ओके, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैं अभी से ऑफ कर रही हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.